हाँ जी नमस्कार, मैं इमामुद्दीन मालिया इमामुद्दीन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और इमामुद्दीन ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आइए आज आपके सामने दीपचंदी का लेसन लेके आया हूँ और आपको दीपचंदी बजाने की आवश्यकता होती है। काफ़ी कमेंट्स आए हैं मेरे पास में जो ये कहते हैं कि सर हमको वो जो दीपचंदी ताल है वो सिखाइए। तो इसमें क्या है कि जैसे दीपचंदी ताल 14 मात्रा की ताल होती है, तो कोई भी आप भजन या गाना कोई भी आप ले सकते हैं, उसमें आपको कैसे बजाना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, और फेसबुक पेज पे भी नए आए हैं तो फॉलो ज़रूर करें और आप शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, देखिए इनके बोल है धा दिन शॉर्टकट धा दिन धाता केते ता ताता केते ताता केते धा दिन धाता केते ता ताता केते ताता केते। अब देखिए इसमें ता कहाँ बजती है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ता ताता, ठीक है ना, ताता, फिर की कहाँ बजेगी तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ की यहाँ बजे थी, ठीक है ना, तो ताता केते ताता किते, ठीक है, और टे आपको यहाँ बजाना है यहाँ, ठीक है, ताता किते, ये हो गया ताता किते। तो अब देखिए धा दिन दादा किते ता ताता किते ताता किते, और फिर दादी ने दादा किते कैसे बजाना, धा दिन दादा किते ता ताता किते ताता किते, देखिए आपको ज़्यादातर रियाज करना है, यानी आपको ज़्यादातर रियाज करना है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को खोल के रख ले सामने और फिर उसके बाद में आप उनको देखें, ऐसा नहीं, ढोलक आपको साथ में बजाना है, ठीक है, और वीडियो के साथ में ही आपको ढोलक बजाना है। जैसे मैं अभी प्ले कर रहा हूँ तो आप उनको देख देख कर आपको सीखना है कैसे बजाना आपको। धा दिन धाधा की ता ताता किते ताता किते धा दिन दादा किते ता ताता किते ताता किते अब आपको ऐसे ही बजाना है और इनका रियाज आपको डेली 2 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम को आपको खूब रियाज करना है। ऐसा नहीं कि आप रियाज नहीं करें, आप जितना भी रियाज करेंगे, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि जो रियाज करेगा वो बंदा राज करेगा। तो आपको राज करना है, इसी ढोलक पे राज करना है अपनी कला पे, तो आप ज़रूर रियाज करें। तो देखिए सुनिए कि आपको और भी आपको कोई ताल बजवानी है, आपको ताल को सीखनी है, तो केरवा ताल, दादरा ताल, रूपक ताल जो भी आपको अच्छी लगती है, भजनों में गानों में बजती है, तो वो आपको ताल सीखना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मेरे को ये ताल सीखनी है, ताकि उनका मैं वीडियो बना सकूँ आपके लिए, ठीक है, उसका वीडियो बना दूँगा। फिर आप उनको देख देख करके अपने घर पर बैठे बैठे आराम से रियाज करिए, ठीक है। और अभी आप YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर आप Facebook पेज पर हैं तो इमामुद्दीन ऑफिशियल Facebook पेज मेरा वहाँ है, तो आप उनको फॉलो ज़रूर करें और लाइक करें और आगे शेयर ज़रूर करें, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।